से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। और कैलाश जी का सवाल है, सौरभ जी आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। इनका सवाल HAL पर है, इनकी खरीदारी है कुछ 5,500 लेवल से 67 शेयर होल्ड कर रहे हैं। अब वहाँ से देखिए तो करीबन 15% नीचे की तरफ गिर चुका है। कुछ पिछले हफ्ते डिफेंस शेयर काफ़ी फोकस में थे, काफ़ी सारे डाउनग्रेड्स हुए थे, उसके चलते हमने देखा था कि काफ़ी हलचल में रहा था। आपके हिसाब से डिफेंस शेयरों में और खासकर HAL में क्या नज़रिया बन रहा है? ऑपरेशंस के हिसाब से बात करें, ऑर्डर बुक के हिसाब से बात करें, या नंबर्स के हिसाब से ऑपरेशन परफॉर्मेंस की बात करें, तो सब में कंपनी ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी काफी अच्छे लगते हैं। बात यही है कि वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हो गई हैं। जो पूरा PSU स्पेस है वो अप्रोक्सीमेटली पिछले 2-3 साल में 10 टाइम्स हो गया है, और वैल्यूएशन यहाँ पर काफी ओवर स्ट्रेच्ड है। मैं यहाँ पर आपको लॉस बुक करने की सलाह इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ऑपरेशनली कंपनी काफी अच्छी है। यहाँ पर आपको अपना व्यू बहुत लंबा रखना पड़ेगा, 2 से 3 साल का व्यू रखिए। मैं समझता हूँ आपको मुनाफा भी हो सकता है, बने रहे। व्यू लंबा रखिएगा HAL में, तभी आपको मुनाफा होने की संभावना ज़्यादा है। सौरभ के मुताबिक दिल्ली से संजीव तिवारी साहब का सवाल लेंगे। नमस्कार सर। मैडम, मैंने हुड को जो है 344 पे किया था, बट एवरेज करके 329 पे ले आया हूँ। थ्री फोर्टी मेरे नाइन पास 110 शेयर है, 110 शेयर है, तो टाइम होरिजन 1-1.5 साल में दे सकता हूँ। परफेक्ट, चलिए कृपया। सौरभ जी, सौरभ आप ही के पास मैं आऊँगी। 1-1.5 साल का नज़रिया और एवरेज प्राइस इनकी ये बता रहे हैं 349 हुटको में है। थी, मैं समझता हूँ कि हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट का जो फोकस है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, और हुडको उसी स्पेस में काम करता है, फाइनेंसिंग में है, तो ओवरऑल जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट भी काफी स्ट्रॉन्ग है, उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आपको इसमें लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए। तो सरकार की नीतियों का फायदा आने वाले वक्त में नजर आने वाला है, बने रहने की आपको सलाह लॉन्ग टर्म लिहाज से। आप वैसे भी 1.5 साल आपका नजरिया है। बढ़ते हैं आगे, कुलदीप सिंह सूर्यदेव जी को शामिल करते हैं, और ये हमारे साथ कच्छ गुजरात से हैं। सूर्यदेव जी नमस्कार, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्कार, आपको भी जम्मू शुभकामनाएं। सर ये मेरा अंबुजा सीमेंट का व्यू था मुझे 1 वीक के लिए, ठीक है, क्या रहेगा अभी? कुछ तो पॉजिटिव अपसाइड होगा या क्या? किस भाव पे आपने लिया है पहले ये तेज बताइए, हुआ है तो किस भाव पे भी लिया किस है? टर्म क्या नीचे जाएगा? आपका खरीद रेट क्या है? 660 सर। 650, चलिए आपके भाव के आसपास ही है। नुकसान हालांकि आपको होता हुआ। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अंबुजा सीमेंट को हम ये देख रहे हैं कि जब सीमेंट स्टॉक बीच में चले भी तो भी अंबुजा सीमेंट में कुछ खास एक्शन नजर नहीं आया। पिछले 6 महीने में स्टॉक में वो तेजी नजर नहीं आई है जिसकी ऐसे दिग्गज सीमेंट स्टॉक्स में नजर आती है। पिछले 1 महीने से तो हम इसमें एक गिरावट भी देख रहे हैं। जरा बताइए क्या संकेत नजर आ रहे हैं? 650 की इनकी बाइंग है, इनका स्तर या आगे आने वाले वक्त में कितना इंतजार करना होगा कि इनको मुनाफा हो पाए? मेरे हिसाब से स्टॉक में कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, चार्टिकली स्टॉक वीक है। फ्राइडे के सेशन में हमने ये स्टॉक में एक स्पाइक देखा था, बट उसके बाद हमने एक जोर से फ्रेश सेलिंग दिखी थी। स्टॉक अपनी जो 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। स्टॉक अभी लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर कोई पुल बैक रैली आती है और उनका अगर भाव आता है तो उनमें निकल जाना चाहिए। नीचे में 620 का अच्छा खासा बेस है, तो 620 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वो यूज कर सकते हैं। अगर 620 के नीचे स्टॉक जाता है तो उनको एग्जिट करना चाहिए, और अगर यहां से कोई पुलबैक रैली आती है तो 645 650 के करीबन भाव टू भाव निकल जाना चाहिए।